एकता कपूर के आने वाले नए रियलिटी शो लॉकअप के लिए इस बड़े एक्टर ने ठुकरा दिया एकता कपूर का ऑफर। वेल आखिरकार कौन है वो बड़ा नाम, चलिए पूरी अपडेट बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार मैं सृष्टि, आप सब नमस्कार मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, मंडल सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल आपको बता दूँ कि एकता कपूर का रियलिटी शो लॉकअप के बारे में जब से खबरें आई हैं तब से ये साफ जाहिर हो गया है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच किया जा रहा है शो में एज अ कंटेस्टेंट आने के लिए। साथ ही साथ कईयों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि पूनम पांडे, शहनाज गिल, ओम स्वामी, रोमन शॉल, तो बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिर में कौन कंफर्म होगा ये तो शो की शुरुआत में ही हमें पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दूं कि वैसे ही एक कंटेस्टेंट यानी कि वीर दास का नाम सामने आ रहा था। जी हाँ, वीर दास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि फॉरेन में जाकर भी कॉमेडी करते हैं। इसी बीच उन्होंने टू इंडियंस के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसको कि बहुत ही ज़्यादा फैंस के थ्रू पसंद किया गया, वायरल भी हुआ, लेकिन बाद में इस वीडियो के कारण कुछ FIR भी हो चुके थे वीर अरदास पर। वेल आपको बता दूं वीर अरदास एक बहुत ही फ्लोई पर्सन है, किसी भी मुद्दे को टच करने के लिए वो डरते नहीं हैं। जो लोग इससे पीछे भागते हैं वो उन्हीं टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। तो वैसे में वीर अरदास अगर आते शो में तो बहुत ही मज़ा आता, लेकिन आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान वीर अरदास ने सॉरी कहा है कंगना रनौत और एकता कपूर से। साथ ही साथ कंगना रनौत को बेस्ट विशेज भी दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे शो में मैं नहीं आना चाहता हूं। तो वीर अरदास के फैंस के लिए तो है ऐसे बैड न्यूज, क्योंकि वीर अरदास नहीं आने वाले हैं नजर लॉकअप शो में। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।